हेलो, वेलकम टू द चैनल आचार्य जी ऑनलाइन। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सुप्रभातम भैया बहन, आज मैं आप लोगों को हिंदी वर्णमाला में जो 52 वर्ण होते हैं उसकी संख्या को लेकर उपस्थित हुए हैं। वे वर्ण कौन कौन से होते हैं ये सब हम आपको बोर्ड पर लिख करके बतला देंगे, और यह है सभी कक्षाओं के लिए आवश्यक है। प्रथम से अष्टम तक तो ये आपके पाठ्यक्रम में है, सिलेबस में है, पढ़ना ही है, और जो भैया बहन नवम दशम में हैं उनके लिए पुनरावृत्ति हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगा। तो आइए हम जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या 52 है वो कौन कौन से है। गौर से देखेंगे तो आपको समझ में बात आ जाएगी। सबसे पहले स्वर वर्ण आता है और इसकी संख्या होती है 11। कौन कौन है तो यहां देखा जाए, और आ छोटी बड़ी, छोटी उ बड़ी उ, री ए ऐ ओ और ओ, ये 11 हैं स्वर वर्ण। इसके बाद आता है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है, लेकिन हम आपको पार्ट बाय पार्ट करके बतलाते हैं कि ये व्यंजन वर्ण 33 कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले कवर्द से पवर्द तक इनकी संख्या होती है 25, मतलब क ख ग घ अंग च छ ज झ य ट थ ड ढ बरी न त थ द ध न और प ख ब भ म, ये 25 हो गए। उसके बाद है अंतःस्थ व्यंजन वर्ण। ये 4 होते हैं, य र ल और वाह। यहां देख रहे हैं आप, य र ल व, ये 4 अंतःस्थ व्यंजन वर्ण हो गए। इसके बाद आता है उष्म व्यंजन वर्ण। इनकी संख्या भी 4 होती है और ये हैं तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। उसके बाद संयुक्त व्यंजन वर्ण आते हैं। और इनकी संख्या भी 4 होती है, संयुक्त व्यंजन वर्णों की संख्या भी 4 है, और यह है अक्षर त
और स्र, ये चार हो गए संयुक्त व्यंजन वर्ण। इसके बाद दो वर्ण है जिसे हम अयोग वाह कहते हैं। और यह है अंग और वाह। इसके अलावे दो वर्ण और है जिसको हम द्विगुण व्यंजन वर्ण कहते हैं। और इनकी संख्या दो है और ये है बड़ी र और रह। अब यहां जब आप योग करेंगे तो 25, 11, 36, 4, 40, 4, 44, 4, 48, 2, 50 और 2, 52। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 होती है, स्वर वर्ण 11 होते हैं, व्यंजन वर्ण 25 होते हैं, अंतरहस्त व्यंजन वर्ण 4 होते हैं, उष्म व्यंजन वर्ण ये भी 4 होते हैं, संयुक्त व्यंजन वर्ण इनकी संख्या भी 4 होती है, अयोगवाह इनकी संख्या 2 है और द्विगुण व्यंजन वर्ण इनकी संख्या भी 2 है और कुल 52 वर्ण होते हैं। अगली कक्षा में हम लोग इस सब की परिभाषा जानेंगे कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, अंतःस्थ व्यंजन वर्ण क्या है, उष्म व्यंजन वर्ण क्या है, संयुक्त व्यंजन वर्ण क्या है, अयोगवाह किसे कहते हैं, द्विगुण व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, इस सब की परिभाषा जानेंगे और उदाहरण जानेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।